आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल आलू भिंडी की सब्जी। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया है। जीरा के तड़क जाने के बाद इसमें हम आलू डाल, यहाँ पर मैंने दो आलू लिया है और उसे मैंने लंबे लंबे में काट लिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करिए, कुछ इस तरह से आपको फ्राई करना है। मैंने हाई गैस पे फ्राई किया था, देखिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा हो गया। फिर मैंने अभी गैस को लो कर दिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल, एक बड़ा प्याज था उसको मैंने लंबे लंबे में काट लिया है और इसको भी थोड़ा सा अब फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मतलब कच्चापन निकल जाए उतना ही। उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। देखिए प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इस समय मैं आधा चम्मच हल्दी डालूंगी और उसी के साथ मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, जो तीखा नहीं होता है। अगर आप चाहे तो इसमें हरा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी भिंडी जो है वो भी हरी है तो इसलिए हम हरा मिर्च यूज नहीं करते हैं, और बच्चे खाएंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। बस और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो नमक अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। अब हमारी भिंडी जाएगी इसके अंदर। मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी लिया है और इसे भी थोड़ा लंबा लंबा ही काटा है मैंने। बस अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसे हम थोड़ा ढक ढक के पकाएंगे। ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने अच्छे से भिंडी को मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक के ही कुछ 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा खोल के चलाएंगे भी। चलिए ढक्कन निकाल के देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, अच्छी लग रही है। आलू तो अच्छी कुरकुरी हो गई है, भिंडी भी सॉफ्ट लग रही है। ये राइट टाइम है हम इसमें टमाटर डालेंगे, तो हम एक टमाटर को भी लंबाई लंबाई में काट के रखे हैं वही डालेंगे। टमाटर को मैंने ऐड कर दिया है। बस अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से इसे हम ढक देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। इसी टाइम मैंने नमक भी डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे ढक के पकाना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है। देखिए तैयार हो गया हमारा बहुत ही सिंपल आलू भिंडी की सब्जी। ये कोई भी बना सकता है, स्पेशली बैचलर्स कुकिंग के लिए तो एकदम अप्रोप्रिएट है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मसालों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके पास टमाटर अगर ना भी हो तो आप अमचूर या चाट मसाला भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई मसाला गया ही नहीं है। तो लास्ट में हम इसमें धनिया का पत्ता डाल देते हैं ताकि इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आए। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा आपको ये आलू भिंडी की सिंपल सब्जी। अगर आप बनाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ मैश ट्यूबर। थैंक यू, बाय।